अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोलेदे। दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलतफहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीय सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराया है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानीन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही मगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर ख़ास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है पिराग ये कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग या हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सन्मुख है दीप्ति सुरना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोलदे के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कॉट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही मगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस इस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडर हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है पिराग ये कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाया कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालाँकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास कर हट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू को दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल्दे के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डीओपी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानिन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर ख़ास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीड रोल है शरूआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़के सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास कर हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू को दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाले इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनय सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनय सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराया है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानिन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़के सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग या हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुरना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कुलद के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल है शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालाँकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू को दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोलदे के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरूत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेते हैं और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बाया हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये इस सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल्दे के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही मगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीड रोल है शरूआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़के सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा जो है ठट्टू कोलह दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीय सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनय सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानीन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर ख़ास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी या हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुरना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोलदे के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाले इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कॉट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों अब जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडर हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है पिराग ये कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूटूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये इस सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूटूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अब ये सॉन्ग 100 मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये 100 मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरूत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेते हैं और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोलह दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूटूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनय सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीड रोल है शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है टट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत हमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठटू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डीओपी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अब ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर रागे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये इस सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये, हो ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराया है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कॉट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों अब जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडर है शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है पिराग ये कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेते हैं और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोलेदे दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानिन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग 100 मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये 100 मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरूत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीड रोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेते हैं और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा जो है ठट्टू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनय सनमूख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनय सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराया है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अब ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौसन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़के सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग या हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुरना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोलह दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये इस सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत हमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानिन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर रागे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालाँकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बा हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठटू कोल दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठू कुलद के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराया है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों अब जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए दिखा जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडर है शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू को दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में यह दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल्दे के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए है और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रानिन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही मगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर ख़ास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीड रोल है शरूआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़के सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास कर हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू को दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझ कर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाले इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनय सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनय सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही मगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रौशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर ख़ास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको एक अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते हैं जैसे कि पानी भरना और लड़के सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्तों ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और ख़ैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग या हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुरना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू कोलह दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में ये दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट कुछ और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि मूवी होगी ये समझ देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक्स सुरेश बनी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहाँ पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अभी ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरवत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल है शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही कैसे एक दूसरे को मिले थे और कैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि कैसे इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप ही हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेती है कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़के के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेते हैं और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा जो है ठट्टू को दरअसल आप में से बहुत लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी है अगर हाँ ये मूवी है तो कहाँ पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी या फिर या कुछ और है तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ और इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर पहला सवाल आपका यही रहा है क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर कोई शॉर्ट फिल्म है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दरअसल ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं या फिर एक बड़ा सॉन्ग आप कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो वाकई दोस्तों एक फिल्म के बराबर है इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी इंसान का एक बार यकीन टूटता है तो वापस ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है या ये भी आप कह सकते हैं कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्यार भरे हज़ार लम्हे को उजाड़ सकती है एक पल में यह दोनों ही बातें आप इस सॉन्ग के साथ सुन सकते हैं जिसका रन टाइम लगभग नौ मिनट के आसपास का है लेकिन हाँ आप इसे अगर मूवी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाया गया है वो कुछ ऐसा ही है तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की शॉर्ट फिल्म या फिर कहे तो इस सॉन्ग ठट्टू कोल के बारे में तो ये दोस्तों आज से तीन साल पहले आया था और उस टाइम पर इसकी हाइप काफ़ी कम थी लेकिन जैसे इसके कुछ रील्स इसके कुछ शॉर्ट और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर तो लोग इसे देखने जा रहे हैं कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये मूवी होगी ये समझकर देखने जा रहे हैं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई वेब सीरीज़ है लेकिन जो दोस्तों सही बात है वो ये है कि दरअसल ये एक सॉन्ग है मैंने इसका जो टाइटल था फुल मूवी वाला इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे एक मूवी की तरह जो है प्रेजेंट करके आपको बताऊँगा कि अगर ये मूवी होती तो ये कहानी किस प्रकार की होती तो पहले इसके डायरेक्शन स्टोरी और डी के बारे में बात करते हैं तो विनीत सनमुख है जिनका बहुत ही बड़ा नाम यूट्यूब पर है इनका यूट्यूब चैनल भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विनीत सनमुख एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिलीज़ कराए हैं और काफ़ी सारे काम बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन वाले सॉन्ग इन्होंने दिए हुए हैं इसका जो म्यूजिक है और जो सिंगर है वो यहाँ पर विजय बुलग्रन है जो कि कमाल की सिंगर है इसके अलावा इसकी लिरिक सुरेश बनीसाटी की है और इसके अंदर जो सी डायरेक्टर है वो मनु अल्लूरी है और इसके लीड कास्ट दीप्ति सुनैना और राहुल वर्मा है जिन्हें आप जानते होंगे हालांकि दीप्ति सुनैना का भी एक यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी काफ़ी सारे शो के अंदर काम किया है और इस सॉन्ग को वहां पर रिलीज़ कराया गया है जो दीप्ति सुनैना है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर लगभग सोलह लाख लग सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इस वीडियो को नब्बे मिलियन व्यू और एक मिलियन लाइक मिले हैं मतलब कि अब ये सॉन्ग सौ मिलियन हिट करने ही वाला है बहुत जल्दी ये सौ मिलियन हिट कर लेगा तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इनके लिए शायद रहेगा वहीं यहाँ पर एक फीमेल सिंगर भी है जिनका नाम सिंधुजा श्रीनिवासन है और साथ ही में अगर बात करें इसकी डबिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है जो मिक्स एंड मास्टर है वो यहाँ पर रोशन सेबिस्टिन का है यानी कि अल्टर रिकॉर्ड चेन्नई वहाँ पर इसे रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों आप जानते हैं इसकी स्टोरी किस प्रकार की है क्या आपको इसके अंदर खास देखने को मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शरूत के अंदर आपको दो कपल दिखाए जाते हैं यानी कि इस सॉन्ग के हीरो या फिर हीरोइन आप कह सकते हैं जिनका यहाँ पर लीडरोल हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो चुका है फिर आगे कहानी जाती है पास्ट के अंदर और वहाँ से जो है हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही क्या से एक दूसरे को मिले थे और क्या से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ वो आपको आगे जानने को मिलता है हालांकि दोस्तों इस पूरे सॉन्ग का नाम ही ये दिया गया है ब्रेकअप सॉन्ग तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर आपको वही दिखाया जाएगा कि क्या इनका ब्रेकअप हुआ था कैसे मिले थे अब यहाँ पर आपको अलग अलग शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं कैसे वो लड़का पहली बार उस लड़की को देखता है और जब वो ऐसे कुछ काम कर रहा होता है जो कि लड़कियाँ करते जैसे कि पानी भरना और लड़की सामने से आ रही है तो फिर जो उसके हाथ में होता है वो उसको गिरा देना यहाँ तक कि लड़की उसके पास ही आ जाती है कहीं पर मिलने भी क्योंकि वो उसे एक अच्छा इंसान समझती है हालांकि दरअसल वो एक अच्छा इंसान होता है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप होता है अब यहाँ पर ब्रेकअप भी हुआ है तो वो ठीक भी होगा अब लड़का ये बात बहुत बार उसे बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ है वो गलती से हुआ है वो कभी शराब नहीं पीता है ना ही वो कुछ ऐसा करता है क्योंकि जो लड़की है उसने जो है एक बार उससे ये बोला था कि वो शराब ना पिए या फिर उससे दूर रहे या हो सकता है कि लड़के को ये लगता है कि वो शराब नहीं पीता है लेकिन एक बार रिक्शा से उतरती है वहाँ पर वो गलती से कुछ ऐसा पी रहा होता है जिसका आकार या फिर जिसका रंग रूप शराब जैसा होता है लेकिन अब उस लड़की को कौन समझाए कि वो शराब नहीं थी बल्कि एक जूस था या फिर एक ऐसा फ्लेवर जो कि शराब की तरह दिखता है लड़की बात नहीं समझ पाती है और ये सोच लेते हैं कि शराब पीता है और बुरा इंसान है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लड़का कैसे उसको मनाता है वो आपको देखने को मिलता है हालांकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका होता है पहले भी वो लड़का किसी लड़की के साथ गले मिलता है तब भी वो लड़की उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है मतलब दो बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है लेकिन उस टाइम पर भी वो लड़का जो है वो सामने वाली जो लड़की जिसके गले मिल रहा था उसको मतलब इतना ही जानता होता है ना ही उसको गर्लफ्रेंड होती है लेकिन एक बात दोस्त तो ये भी है कि अगर आप सच्चे हैं अच्छे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है और खैर ऐसा ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर फिर लास्ट में हो ही जाता है यानी कि सॉन्ग के अंदर हो ही जाता है ये दोनों वापस मिल जाते हैं हालांकि बताने में थोड़ा वक्त कम लगा है लेकिन अगर ये फिल्म होती तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉग बास हिट होती हमें दोस्तों उम्मीद है कि जो विनय सनमुख है दीप्ति सुनना है वो फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म लेकर आएंगे जो हिट हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी लगेंगी और आपने अभी तक इसे नहीं देखा है दोस्तों तो एक बार ज़रूर देखिए यूट्यूब पर ये पूरा सॉन्ग अवेलेबल है एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा ये मूवी नहीं है बल्कि एक सॉन्ग है जिन्हें आप एक शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं